अब देखो ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि आपको ना डिटेक्ट लूप करना है, डिटेक्ट अ लूप। आपको एक लूप डिटेक्ट करना है लिंक्ड लिस्ट में कि लिंक्ड लिस्ट में लूप है कि नहीं। एग्जांपल के लिए मान लो कि लिंक्ड लिस्ट दे रखी है ये 1 2 3 4 6 7 और फिर 8 फिर 10 ये ठीक है। जब नल को पॉइंट करते हो किसी और को भी तो पॉइंट कर सकता है ना। तो ये आपको आंसर, आपको ट्रू या फॉल्स आंसर बताना है कि ट्रू लूप है फॉल्स लूप नहीं है। ठीक है आपको ये बताना है, समझ में आया कैसे करना है। अच्छा अगर लूप होगा ना, ध्यान से अगर लूप होगा तो आपको ना हमने स्लो और फास्ट वाली बात करी थी। अगर आप एक सर्कल में घूम रहे हो, लेट अस एक सर्कल में घूम रहे हो, अगर आप में से कोई एक तेज भागे और एक धीरे भागे तो कभी ना कभी अगर लूप होगा कभी ना कभी मिलेंगे। कब मिलेंगे? वो एलसीएम में मिलेंगे, 8th या 9th में पढ़ाते थे कि एलसीएम में मिलेंगे। तो आपको इतना पता चलना है कि अगर एक तेज भागेगा एक धीरे भागेगा, अगर दोनों मिल गए तो लूप है, और नहीं मिले अगर आप सीधा भागे गोलू और डबल स्पीड से भागे सिंगल स्पीड से भागे कभी नहीं मिलोगे आपको, है ना। और एट दी एंड आप गड्ढे में गिरोगे क्योंकि लूप नहीं है, तो लास्ट वाला पॉइंटर नल पे होगा। और अगर तेज भागने वाला गड्ढे में गिर गया, नल पे गिर गया, तो वो दोनों लूप नहीं, और लूप होगा तो मिलेंगे। अगर लूप होगा तो मिल जाओगे पक्का बात, और लूप नहीं होगा तो वो ये गड्ढे में गिरेगा। ठीक है, तो बस वही करना जो हमने स्लो और फास्ट वाला किया था ना। तो फास्ट को बनाइए हेड और स्लो को बनाइए हेड। फास्ट भी रहा स्लो भी रहा, इनको नहीं हेड कब तक चलिए। अच्छा ये भी तो सकता है कि ये ऐसे नल नल की तरफ पॉइंट करे, ये भी तो सकता है। तो फास्ट फास्ट यहाँ स्लो यहाँ, ठीक है, फास्ट यहाँ फिर स्लो यहाँ फिर फास्ट यहाँ है ना, और स्लो यहाँ है ना, और फिर फास्ट यहाँ और स्लो यहाँ। फास्ट नल को दिया तो बोले कि लूप नहीं है, कोई गड्ढे में गया तो लूप नहीं होगा, सिंपल सा। अच्छा ये कम करते हैं, अब देखते हैं सारे कंडीशन को देख के चलते हैं। ठीक है, फास्ट यहाँ तो स्लो यहाँ, ठीक है, अब फास्ट यहाँ तो स्लो यहाँ, फास्ट यहाँ तो स्लो यहाँ, फास्ट का अगला गड्ढा है तो रुक जाएंगे, बोलेंगे भैया अगला गड्ढा आ गया, लूप एग्जिस्ट नहीं करता। बट अगर 8 के बाद 10 की बात की, अब देखते हैं फास्ट को वहाँ खेल, ठीक है, फास्ट यहाँ स्लो यहाँ, अब तो मिल ही देंगे, फास्ट यहाँ स्लो यहाँ है ना, फास्ट यहाँ स्लो यहाँ पर, फिर फास्ट 2 यहाँ पे और स्लो यहाँ पे, ठीक है। और ये तो शायद यहाँ आएगा फिर घूमता रहेगा है ना, फिर स्लो फास्ट यहाँ फास्ट 7 पे जाएगा, हाँ, अरे एट द एंड मिल ही जाएंगे, बस वही मतलब कन्फ्यूजिंग होना। तो मैं बोल रहा हूँ कि कब तक चलो, जब तक जो फास्ट वाला बंदा है वो नॉट इक्वल टू गड्ढा और फास्ट का नेक्स्ट वो भी नॉट इक्वल टू गड्ढा है ना, ये तो बोलेंगे क्योंकि भाई गड्ढे में हो तब तो फॉल्स ही है। इधर फिर से वही वाला केस आ गया जो हाँ, तो करना तो नहीं, फास्ट इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट 2 आगे बढ़ा दिए और स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट, जब दोनों को बढ़ा दिए फिर चेक करो क्या फास्ट इज इक्वल टू स्लो है। अगर है तो रिटर्न ट्रू कि भैया हाँ लूप एग्जिस्ट करता है, और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी कहीं ना कहीं गड्ढे में आ गए या अगला गड्ढा आ गया तो रिटर्न फॉल्स। ट्रू तभी रिटर्न होगा जब सही होगा, और फॉल्स तभी रिटर्न होगा तो गड्ढे में गिरेगा। इसके अलावा कुछ और हो सकता है, या तो गड्ढे में गिरेंगे या मिलेंगे, उसके अलावा तो कुछ भी हो सकता है ना लिंक लिस्ट में। अच्छा ये पूरा वो हो गया मिडल वाला क्वेश्चन, ये मिडल वाला बस वो इज इक्वल टू हां मिलने वाली कंडीशन ही जो बी का रिटर्न है सबसे पहले तो बात करते हैं। तो इसको लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं थोड़ा जल्दी से, वो है कि हेड ऑफ लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग लगी हेड ऑफ लूप, करना कुछ नहीं, लूप एग्जिस्ट करता है, ये पहली बोला लूप एग्जिस्ट करता है। इन लोगों ने पहले चिल्ला के बोल दिया भैया लूप है। आपको बताया लूप की शुरुआत कहां से हो रही है, इन्होंने पहले चिल्ला के बोल दिया भैया लूप एग्जिस्ट करता है, लूप की शुरुआत कहां से हो रही है आपके बताइए। ठीक है, क्या लगता है लूप की शुरुआत कहां से हो रही है, 4 से लग रही है मेरे को, आपको यही रिटर्न करना है शुरुआत।
ठीक है, अब ध्यान से समझिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अगर समझ आ गया तो आगे के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे बहुत सारे, चार से शुरू तो ये इतना पता है। अच्छा देखो अगर मैं यहां से चलूं, एक दो तीन, मेरे को पता है कि तीन स्टेप लेने पे शुरुआत आ जाएगी। अच्छा यहां से एक दो तीन, यहां से यार एक स्टेप दो स्टेप तीन स्टेप, और यहां तक अगर बैठे तो एक स्टेप दो स्टेप तीन स्टेप, यानी कि मेरा ए पॉइंटर जो है वो यहां पे अगर है और बी पॉइंटर अगर मेरा यहां पर है, ठीक है बना, अगर मेरा बी पॉइंटर यहां है, मेरा बी पॉइंटर यहां है, तो मेरे को पता है कि एक चलाओ उसको, 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 यही तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। यानी कि मेरे को इतना करना है कि ए मेरा फिक्स है, मेरे को एक ऐसी बी की पोजीशन ढूंढनी है, है ना, वो पता नहीं कैसे ढूंढनी है, पर एक ऐसी पोजीशन ढूंढनी है जिसे एक चलाओ, एक चलाओ, एक चलाओ, एक चलाओ, एक चलाओ, एक चलाओ, और मेरे को शुरुआत मिल जाएगी लूप की। ऐसे भी कर सकते हैं जहाँ पे दो पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं, जहाँ पे दो पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं वहाँ पे क्या करें, ऐसे फोर को दो लोग पॉइंट कर रहे हैं ना, दो लोग कौन पॉइंट कर रहे हैं, एक टेन भी कर रहा है, थ्री भी कर रहा है, टेन भी कर रहा है, थ्री भी कर रहा है, बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है ना, और वो कैसे करेंगे आप उसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा, है ना, अभी बारी बारी अप्रोच सकते हैं, आपके लिए अप्रोच के बारे में सोचेंगे थोड़ा, तो यानी कि बी की एक ऐसी पोजीशन होगी जिसमें एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप पहुंच जाएंगे, यानी कि मेरे को पता चल रहा है अगर यहाँ पे के स्टेप लेने हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी के स्टेप लेने होंगे, तो उसके लिए तो वो बताना चाहिए क्या, फोर बताना चाहिए ना, हाँ उसके लिए वो बताना चाहिए, मतलब उसके लिए बी की पोजिशन उनको पता होनी चाहिए कि बी जो है हमको कहाँ रखना है, पर इतना मेरे को समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक काम हम करते हैं कि हम क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमको जिससे लूप की लेंथ पता चल जाए, लूप की लेंथ, अगर लूप की लेंथ पता चलेगी मान लो एक दो तीन चार पाँच छः, लूप की लेंथ पता चल जाएगा, लूप की लेंथ एल है, इसकी लेंथ एल है, ठीक है, यानी कि एक दो तीन चार पाँच छः इसकी लेंथ है और यहाँ पे एक दो तीन है, तो इस पूरी लेंथ क्योंकि एक दो तीन चार पाँच छः एक दो, अरे यार हो थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो रहा है, फिर बनाते हैं इसको, ये बी तो क्लियर है ना, यानी कि बी एक ऐसी पोजिशन ढूंढनी है जिसके बाद से एक एक्स्ट्रा चलेंगे तो हम शुरुआत में पहुंच जाएंगे हेड के। अब एक काम करिए आप निकालिए लूप की लेंथ, मैं बता क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से लेकर यहाँ के मान लो चल गया, मेरे को बी की पोजिशन ना फिक्स करनी है, देखो कैसे करेंगे, उसके लिए हमको ये पता है कि एक बार ये भी निकालना पड़ेगा, ये k है, मान लो लूप की लेंथ l है, लूप की लेंथ l है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, l माइनस k होगी, अरे यार थोड़ा ध्यान दो, इस पूरे लूप की लेंथ l है, मैं कुछ ना निष्कर्ष कर रहा हूँ और वो निष्कर्ष में थोड़ी मैथमेटिक्स होनी जरूरी है, इस पूरे लूप की लेंथ l है, किसकी लेंथ k है, क्योंकि k स्टेप में मिल जाऊंगा तो इसकी स्टेप L minus K है, तो A से लेकर B तक के डिस्टेंस की दूरी कितनी होगी, K plus L minus K is equal to L, what is that, loop की है, loop की है, what is K steps, इतने स्टेप बाद में को शुरुआत मिलेगी, K L length इसके लिए और K मतलब इतने स्टेप बाद मिलेंगे, है ना, L पूरी लेंथ है, K बाद मिलेंगे, तो L minus K हुआ ना, और यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी हुई, k ये रहा प्लस l माइनस k, k ने k को मार दिया l बचा, मेरे को पता है कि a और b के बीच में दूरी l होगी और l मेरी लेंथ ऑफ लूप है, अगर मैं l निकाल लूं, अगर मैं l निकाल लूं तो मैं b को याद रखूंगा, a को याद रखूंगा और उसके बाद k स्टेप ले लूंगा, यानी कि k स्टेप का मतलब यह है कि उसके बाद मैं तब तक चलूंगा जब तक बराबर ना पहुंच जाए, के में को नहीं पता, देखो के में निकालना मुश्किल है थोड़ा, के पता नहीं कैसे निकलेगा, बट इतना तो पता है ना ए और बी के बीच की दूरी एल होगी, ध्यान से समझना क्वेश्चन का मतलब हेड ऑफ लूप, जहां पर लूप है उसकी शुरुआत बतानी है, यानी कि बी को एक ऐसी क्वेश्चन सेट कर दो कि उसके बाद एक एक स्टेप ले तो हम पहुंच जाए, तो एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप चार,
अच्छा लूप का हेड पॉइंट करता है कि लूप का हां लूप हो रहा है तो जहां पे वो टर्न होके वापस पॉइंट कर रहा है तो उसको लूप करते हैं। हां वही चार आंसर है। तो यानी कि बी की एक ऐसी पोजीशन ढूंढनी है कि एक स्टेप ले ये अभी तो एक जगह पहुंच जाए। हां और बी कहां पर होगा अगर आप बात को सोचे तो लूप की लेंथ एल स्टेप लेगा के तो बची लेंथ एल माइनस के निकालना और ये भी के स्टेप पे जाएगा ये के स्टेप पे जाएगा तो पूरी लेंथ कितनी होगी k plus l minus k यानी कि l a और b के बीच की दूरी कितनी हुई l एट द एंड कुछ नहीं करना a को रखना हेड पे और b को रखना है l लेंथ तक आगे बढ़ाते हैं a a हेड पे रहेगा और a और b के बीच की दूरी कितनी है l है तो b को l स्टेप आगे बढ़ा दो ठीक है और यहां से एक एक करके आगे बढ़ाओ कहीं मिल जाएंगे। एग्जाम्पल करें इसको थोड़ा चेंज करते हैं हम ठीक है अब थोड़ा और थोड़ा क्लियरिटी देने की कोशिश करते हैं। देखो ऐसे अब नंबर्स नहीं लिखा जाएगा ऐसे बना दो ये है मान इसमें भी लूप एग्जिस्ट करता है लूप की शुरुआत कहां से हो रही है यहां से हो रही है ठीक है ये एक ऐसा बी ढूंढिए एक ऐसा ए ढूंढिए जिसके बाद एक एक स्टेप चले तो मिल जाए ए मान लो ये रहा बी मान लो कहां पर होगा देखते हैं एक दो तीन चार स्टेप पे आगे बढ़ना है आपको यानी कि यहां से अगर देखें तो एक दो तीन चार यहां से लेते हैं एक दो तीन चार यहां ये बी है अब वो बी ही फाइंड करना है मेरे को यानी कि देखो ए यहां बी यहां है एक स्टेप आगे बढ़ो ये बड़ा 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 यानी कि बी है अब बी यहां पे होगा कैसे पता चलेगा भाई भाई तो डाउट वो डाउट कैसे है क्योंकि इस लूप की लेंथ कितनी है l ये कितने स्टेप चलेगा यहां से k ये कितने स्टेप चलेगा यहां से k कहीं तो चलेंगे k बराबर ठीक है है ना ये पूरी लेंथ l है ये चलेगा तो ये कितना बचा l माइनस k l माइनस k तो बचा हां और ये यहां से लेकर यहां तक l माइनस k प्लस k यानी कि l यानी कि a से लेकर b तक की डिस्टेंस कितनी हुई l और l क्या है लेंथ ऑफ लूप अगर निकाल पाए अगर लेंथ ऑफ लूप निकाल पाए तो b को यहां फिक्स कर दीजिए b को यहां तक लीजिए और एक एक स्टेप आगे बढ़िए एक स्टेप आगे k स्टेप आगे नहीं बढ़ना k तो मैंने सिंपलिसिटी के लिए बताया था कि कैसे लेंगे ताकि कट फिट जाए अब एक ही बार बढ़ती रही जब तक बराबर ना है तब तक जब बराबर है वही टक्कर समझ में आया समझ लो कि समझ पूरा समझ में आया ऐसा समझ गया मैं। हाँ अब देखो एक एक काम करते हैं अब पहली बात हमको लेंथ निकालनी है लूप की है ना तो सारा फोकस लेंथ पे डाल देते हैं एक काम करते हैं लेंथ कैसे निकाली जाएगी लूप की इससे पहले हमने लूप किया था लूप का क्वेश्चन किया था हमने इससे पहले कि डिटेक्ट कर लूप अब उसी की मदद से हमको लेंथ को फाइंड करना है कि लूप की लेंथ कितनी है ठीक है अच्छा चलो लूप की लेंथ कैसे भी निकल गई ठीक है लूप की लेंथ बाद में निकल लेंगे पर एक बार रिमेनिंग कोड कर लेते हैं उसके बाद लूप की लेंथ निकालेंगे तो मैं बोल सकता ना ए पॉइंटर जो है वो हेड पर है और बी पॉइंटर वो भी हेड पर है ये बोल सकता हूँ और बी को कितनी बार बढ़ाना है लेंथ बार बढ़ाना है बी को जितनी लेंथ है उतनी बार बढ़ाना है कितनी बार लेंथ बार चला ये तो खाया पता है फॉर लूप में आई प्लस प्लस करते थे जब एरे हुआ करता था इसमें बी का नेक्स्ट करते बी यहाँ पे फिक्स हो गया बी जब यहाँ पर आ गया अब क्या करना है जब तक चलिए जब तक ए इज नॉट इक्वल टू बी जब तक चलिए जब तक ए और बी बराबर नहीं है कैसे चलेंगे हम बोलेंगे ए इज इक्वल टू ए का नेक्स्ट एल तो लूप की लेंथ है ना हाँ तो फिर ए से हम एल कैसे चला गए ए से एल ए से एल तक कैसे चला गया ए से एल तक कहने लगा हाँ
फॉर्मूला पे कहते हैं ना एल तो लूप की लेंथ है, ये निकालेंगे अभी, निकालना नहीं है। अच्छा अच्छा निकालेंगे अभी, ठीक है। इतनी बार बी को मूव किया, ए तो वहीं पर है, और मैं बोलूँ जब तक ए बी बराबर नहीं है तब तक एक एक बढ़ाइए, एक ए को आगे बढ़ाइए फिर ए बी को आगे बढ़ाइए, है ना। क्या बराबर है, नहीं बराबर तो फिर एक आगे बी, एक आगे बी, जब बराबर हो जाएंगे तो लूप खत्म हो जाएगा, तभी क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर दोगे या बी रिटर्न कर दो, दोनों बराबर एक जगह तो है, रिटर्न कर दोगे या रिटर्न कर दोगे। ये कोड है सारा कोड ध्यान रखना, लेंथ लेंथ ऑफ लूप अगर निकल गया आंसर आ गया, लेंथ ऑफ लूप अगर निकल गया तो आंसर आ गया ना, सारा कोड जो है लेंथ ऑफ लूप के अंदर लूप की लेंथ निकल जाएगी, तो फिर वो जो के पोर्शन है और जो इसका वर्क के पोर्शन है वो बराबर हो जाएंगे, बराबर बी बी मिल जाएगा, अब बी मिल जाएगा लेंथ निकल। अब आइए लेंथ ऑफ इसका है लूप की लेंथ निकल गया, अब क्या लगता है लूप की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, लूप की लेंथ क्या है, एक दो तीन चार पाँच पाँच है इसके, अगर स्लो और फास्ट को लेके भी चलते हैं, मान लो स्लो फास्ट है, फास्ट यहाँ पर आ गया स्लो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब फास्ट यहाँ गया स्लो यहाँ आ गया, ठीक है। अब फास्ट यहाँ आ गया और स्लो यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये तो क्या हो गया, फास्ट यहाँ आ गया स्लो यहाँ आ गया, ठीक। अब फास्ट यहाँ आ गया और स्लो भी यहाँ आ गया, यानी कि ये तो पता चल गया कि एग्जिस्ट करती है, बट लेंथ तो अभी भी नहीं निकाली। या अगर हम वहाँ पे जो ये वो है जंक्शन जो है यहाँ पे कुछ कोई पॉइंट रेफरेंस कर दे या कुछ भी ऐसा फिक्स कर दे कि पर पता कैसे चलेगा, शुरुआत नहीं से होगी यहाँ, नहीं 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 कि यहाँ पे मतलब कोई ऐसे फिक्स कर दे कि यहाँ पे एस आ चुका है पहले, मतलब कुछ एस ने एंटर कर ली, फिर कुछ कोई भी वेरिएबल बना लिया उस पर क्लिक कर दिया कि हाँ भाई पहले जीरो से वन हो गया क्योंकि वहाँ पे वो एंटर कर चुका, वहीं पर भी वहाँ पे एफ भी आ चुका है ऐसा शायद। फास्ट और स्लो यहाँ मिले, हम क्या सोच रहे थे यहाँ मिलेंगे, पर मिले तो यहाँ एक बार मिले, जब दूसरी बार मिलेंगे तब वो कहाँ मिल सकते हैं, अब देखते हैं। यहाँ मिले ना, यहाँ से बाउंड्री चालू करते हैं एक बार, अब पढ़ाता है फास्ट यहाँ आ गया स्लो यहाँ आ गया, ठीक है। जब हो गया तो लेंथ ही पढ़ा दिया, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। अब फास्ट यहाँ आ गया स्लो यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो फास्ट यहाँ आ गया स्लो यहाँ आ गया, अरे आशिक मैंने वो लेंथ नहीं बढ़ाई, लेंथ ही नहीं बढ़ाई, फास्ट हो जाता ना, आप सॉरी फास्ट यहाँ आ गया स्लो आ गया लेंथ है, फास्ट यहाँ आ गया और स्लो यहाँ आ गया लेंथ तो हो गई, ठीक है। बड़ा रोल देख रहा हूँ कैसे हो, देख रहा हूँ फिर फास्ट यहाँ आ गया स्लो यहाँ आ गया लेंथ भी होगी, ठीक है। अब फास्ट यहाँ आ गया स्लो यहाँ आ गया लेंथ होगी चार, ठीक है। फास्ट यहाँ आ गया है ना, फास्ट यहाँ आ गया स्लो यहाँ आ गया लेंथ होगी पाँच, ठीक है। और फास्ट यहाँ आ गया स्लो यहाँ आ गया लेंथ हो गई छः, एक काम करते हैं आंसर निकाल दिया, एक काम कर सकते हैं जब आखिरी वाला जब मिल जाएगा तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, पहले मिल चुके हैं ऐसा कर सकते ना, मतलब एक बार मिले एक बार मिल गए यहाँ मिल गए, अगली बार जब मिलेंगे तब तक कैलकुलेट कर लो, एक सर्कल ही तो है, एक सर्कल है, एक बार मिलेंगे ठीक है, अगली बार जब भी मिलेंगे कहाँ मिलेंगे मेरे को नहीं पता, बट तब तक कैलकुलेट कर लो, है ना। तो इसको भी फास्ट स्लो सोचते रहो, पुराना वाला कोड लगाओ, देखो इसमें पुराना वाला कोड लगाइए, सेम पुराना वाला कोड लगाओ, एल की वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाइए, हाँ एल की वैल्यू देखो इनिशियली जीरो रखो, हाँ ठीक है। अब पहले जो फास्ट फ्लो डिटेक्ट वाला जो हमने किया था उसको एक जगह मिल जाएगा, वो यहाँ पे उसका डिक्शन में रहेगा ना, इफ ये दोनों सेम है तो उसके बाद काउंट करें, हाँ अगर वो सेम होगा ना तो पहले तो अरे पहले आखिरी में तो हमने वो किया था ना वाइल की फास्ट जो है नॉट इक्वल टू नल हो एंड देन फास्ट का नेक्स्ट ये भी नॉट इक्वल टू नल हो, हमने कुछ कुछ कोड लिखा था आखिर में मिल गए थे, लेकिन ये तो स्टार्टिंग में लगा ना कि ये हमें पहले से बता, ये शुरुआत से हो रहा था, शुरू से आ रहा तो कहीं मिल जाएंगे तो इसके बाद काउंटिंग वो जो जहां पे ने रिटर्न ट्रू किया था इधर वहां पे लॉजिक लिखना ना, हां वहां लॉजिक लिखना, हां अब मिल गए दोनों जगह, अब काम दोबारा शुरू करना है, बट काम दोबारा शुरू करना है
लेंथ के साथ साथ बड़ा बड़ा लेंथ इंक्रीमेंट करते जाना, लेंथ इंक्रीमेंट करते जाना, ठीक है ठीक है बस। तो ये सेम ये चीज है, यानी तो क्योंकि जब तक बराबर ना हो तब तक चले, बट शुरुआत तो दोनों बराबर। तो एक काम करिए, डू डू फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट का नेक्स्ट, और स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट। और कब तक चलिए, जब तक चलिए जब तक व्हाइल फास्ट इज नॉट इक्वल टू स्लो। जब तक फास्ट स्लो बराबर नहीं है ना, तब तक फास्ट को दो बढ़ाइए स्लो को एक बढ़ाइए, बट अभी तो बराबर है ना, इसलिए डू लगाए ताकि एटलीस्ट एक बार तो चल तू, और जब चलता रहेगा तो कंडीशन में बाद में चेक होगी। जब तू चलता रहेगा लेंथ प्लस प्लस करता रहियो, लेंथ का इस्तेमाल यहां कर लियो वहां करा जाएगा तेरा, जो एक जो कंडीशन है बाद में चेक होगी। हां एक बार पहले हो जाएगा, एक बार तो चलेगा चलेगा, कंडीशन चेक की होगी, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है माइक्रोसॉफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है थोड़ा दिमाग लगा, बंद क्यों कर रहे हो, एक क्वेश्चन और है आखिरी, अभी बंद नहीं कर रहे। एक मिनट एक मिनट, एक बार इसको छाप लीजिए, दो वाला वो हो गया जिसमें नेक्स्ट नेक्स्ट।